Assalamu alaikum viewers, welcome to our YouTube channel. The sorting technique that we are going to discuss today is bubble sort. We have discussed earlier two sorting techniques that are insertion sort and selection sort, which you can check out on our channel, and their links are also given in the description box. So let's start this algorithm. The algorithm will start with the name of the function that is bubble sort. Then two parameters are being passed here. One is a. A here means array, and n here means input size. The first statement of the algorithm says that there is an outer for loop. Outer for loop mein hamare paas ek variable hai I, jo ki 0 se initialize kiya gaya hai, yani hamari array ka jo first element hai wo 0 index par hoga. 0 se start hoga aur ye loop kab tak execute hota rahega, jab tak I less than है n minus 1 से और I plus plus यानी यहाँ I में increment हो रहा है. अब inner for loop में हमारे पास एक variable है j जो कि 0 से initialize हो रहा है, लेकिन inner loop तब तक execute होता जाएगा जब तक j less than है n minus I minus 1 से. इस condition का क्या मतलब है ये हम dry run में clearly समझेंगे. और यहाँ पर भी j increment हो रहा है. इस inner for loop की body में भी दो statements given हैं. वो क्या है? सबसे पहले एक condition given है, एक comparison statement है. If array of j is greater than array of j plus 1, then what you will do, you will swap both of these elements present at the respective indices. Yani jo element j per present hai, agar to wo greater than hai j plus 1 per present element se, to aap kya karenge, dono ko swap kar denge. Theek hai? Ye jab hamari if condition tak chalti rahegi, jab tak ye condition true hogi, aur hamara for loop तब तक execute होता जाएगा जब तक ये condition true होगी. ये जो है for loop break कर जाएगा तो हमारा जो control है वो outer loop की तरफ move कर जाएगा. चार statements के साथ ही बहुत एक simple सा algorithm है, इसको हम समझते हैं हमारे dry run के through. Okay, तो dry run में हमारे पास एक array है जिसमें 5 elements given है हमें, 4, 5, 1, 3 and 2. ये randomly इस array में present है. अब हमारे पास इंडिसेस 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और 4 तक जा रहे हैं. n is equal to 5 means कि हमारा एरे का इनपुट साइज क्या है, 5. हम अब अपने एल्गोरिथम को भी साथ साथ लेकर चलते हैं. सबसे पहले हमने देखा कि कंट्रोल यहाँ पर है एल्गोरिथम में. फॉर लूप स्टार्ट हुआ, i 0 है. अब i 0 है, कंडीशन चेक करेंगे n माइनस 1. n हमारे पास यहाँ 5 था, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 और i है 0. इज इट लेस देन 4? यस इट इज. कंडीशन ट्रू है. अब जो कंट्रोल है वो इनर लूप के पास चला जाएगा. अब i इक्वल टू 0 के लिए ये फॉर लूप तब तक एग्जीक्यूट होता जाएगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती. अब हम इसके आइट्रेशंस को स्टार्ट करते हैं. अब सबसे पहले हमने कहा i 0 पर है, ठीक है, और j को भी हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया है. अब हम कंडीशन चेक करेंगे क्या j लेस देन है n माइनस i माइनस 1 से, वो हम चेक कर लेते हैं. j भी 0 है, i भी 0 है. j 0 है, अब n यहाँ पर हमारे पास क्या है, 5. i है 0 और ये 1 एज इट इज यहाँ आ गया. हमने इसको इवेल्युएट किया तो ये आंसर क्या आ गया, 0, और यहाँ पर ये आ गया 4. इज 0 लेस देन 4, द कंडीशन इज ट्रू. तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या कहती है कि अगर एरे ऑफ j ग्रेटर है एरे ऑफ j प्लस 1 से, तो दोनों एलिमेंट्स को स्वैप कर दें. अब यहाँ पर एरे ऑफ j क्या है, इंडेक्स है हमारे पास 0, और j प्लस 1 का मतलब है 0 प्लस 1, दैट इज 1. अब इन दोनों जगहों पर कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं? इन दोनों इंडिसेस पर 4 और 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं. हम कंडीशन चेक करेंगे क्या 4 ग्रेटर है 5 से, तो ऐसा नहीं है. 4 इज नॉट ग्रेटर देन 5. नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी होती स्वैप देम, हम उन्हें स्वैप कर देते. लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या आ गया है कि 4 ग्रेटर देन 5, ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो कोई स्वैपिंग यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है. अब इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद जे इंक्रीमेंट हो जाएगा. जे अब 1 हो चुका है हमारे पास, ठीक है. आई 0 ही रहेगा क्योंकि अभी इनर लूप फिनिश नहीं हुआ, अब अपनी आइट्रेशन को पहले कंप्लीट करेगा. तो आई 0 है, जे में इंक्रीमेंट हुआ 1. अगेन हम सेम कंडीशन चेक करेंगे. 1 यहाँ एज इट इज, 5 माइनस आई, आई यहाँ पर 0 है अभी भी, तो आई 0 ही रहेगा. माइनस 1 तो हमारे पास 1 लेस देन 4 है. इज इट ट्रू? यस द कंडीशन इज स्टिल ट्रू. इफ कंडीशन को चेक करके एग्जीक्यूट करेंगे. यहाँ पर हम चेक करते हैं तो इंडेक्स, अब जे यहाँ पर है ना हमारा, जे इंक्रीमेंट होकर यहाँ आ चुका था, जे अब आगे चला गया. आप देख सकते हैं ये यहाँ से मैंने कट करके यहाँ पर लिख दिया क्योंकि ये अब इंक्रीमेंट हो चुका है ना, 1 इंडेक्स पर है. तो 1 इंडेक्स पर प्रेजेंट है 5 एलिमेंट और 2 इंडेक्स पर है 1. इज 5 ग्रेटर देन 1? यस इट इज.
कंडीशन इज ट्रू दिस टाइम. तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्वैपिंग कर देंगे सिंपली. ठीक है, अब स्वैप करने के बाद हमारे पास जो एरे बन रही है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो कुछ इस तरीके से है. अब वन यहाँ पर आ गया फर्स्ट इंडेक्स पे और फाइव यहाँ पर आ गया सेकेंड इंडेक्स पे. ये देखें, पहले फाइव इधर था फर्स्ट इंडेक्स पे और सेकेंड इंडेक्स पे वन था. अब दोनों स्वैप हो चुके हैं, दोनों ने अपनी पोजिशंस जो है वो स्वैप कर लिए हैं. ठीक है, ये न्यू एरे बन गई है. जे को हमने इंक्रीमेंट कर देना है दोबारा से, क्योंकि पहले जे वन था. अब ये कंडीशन स्टेटमेंट यहां तक एग्जीक्यूट हो गई. अब जे में इंक्रीमेंट हुआ, जे टू हो गया, आई जीरो ही रहेगा. अब हमने इंक्रीमेंट करने के बाद सेम यही कंडीशन चेक करनी है. जब हम कंडीशन को चेक करेंगे, एन हमारा फाइव था, आई हमारा जीरो था और ये वन था, तो ये फाइव माइनस जीरो माइनस वन फोर ही रहेगा. तो टू लेस देन फोर कंडीशन इज वंस अगेन ट्रू. अब टू इंडेक्स, ये वाला जो इंडेक्स है ना, हमने इसको देखना होता है ना, जे है, एरे ऑफ जे ग्रेटर है एरे ऑफ जे प्लस वन से. क्या एलिमेंट्स है यहाँ, फाइव और थ्री. फाइव इज ग्रेटर देन थ्री, कंडीशन इज अगेन ट्रू. अब हम न्यू एरे बनाएंगे और उसमें देखेंगे, हम इसको स्वैप कर देंगे, पोजिशन चेंज होंगी. इंटरचेंज कर दिया हमने, फाइव यहाँ पर था अब यहाँ आ गया, थ्री यहाँ पर था अब यहाँ आ गया. ठीक है, और ये हमारी न्यू एरे बन गई. साथ ही हमने देखा हमारा जो जे है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट फिनिश हो गई, जे दोबारा से इंक्रीमेंट हुआ, थ्री हो गया और जे यहाँ थ्री पर आ गया. जे के थ्री पर आने के बाद वही एरे मैंने यहाँ दोबारा ड्रॉ की है. जे जब थ्री पर आ चुका है, अब हम कंडीशन इनर लूप की चेक करेंगे कि क्या ये ट्रू है या नहीं. हमें पता था इस कंडीशन का आंसर फोर इवेल्युएट करने के बाद आया था. तो इज थ्री लेस देन फोर, सो द कंडीशन इज ट्रू. अगेन हम इफ कंडीशन एग्जीक्यूट करेंगे. क्या एरे ऑफ जे, जे यहाँ पर थ्री है इस बार, तो एरे ऑफ थ्री ग्रेटर देन है एरे ऑफ, ये जे प्लस वन होता है ना, तो थ्री प्लस वन इज फोर. क्या ये दोनों एलिमेंट्स ग्रेटर हैं, यहाँ पर चेक करते हैं. थ्री इंडेक्स पे फाइव है और फोर्थ इंडेक्स पे टू है. फाइव इज ग्रेटर देन टू, यस कंडीशन इज ट्रू. अब इन दोनों को स्वैप कर देंगे. फाइव थ्री इंडेक्स पे था, अब टू आ चुका है यहाँ पर. फोर्थ इंडेक्स पे टू था लेकिन अब यहाँ पर स्वैप होकर फाइव आ गया. ठीक है, अब हम दोबारा से जे को इंक्रीमेंट करेंगे, जे फोर पर आ गया. अब हम कंडीशन अगेन चेक करते हैं, क्या फोर लेस देन है फोर के, नहीं है, तो इक्वल हो चुके हैं. तो हमारी कंडीशन यहाँ इनर लूप की फॉल्स हो चुकी है. फॉल्स हो गई तो ये दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी. कंट्रोल कहाँ जाएगा, कंट्रोल आ जाएगा आउटर लूप के पास. जब भी कंट्रोल वापस आता है तो अब यहाँ पर क्या चीज सबसे पहले होगी, आई इंक्रीमेंट होगा. ठीक है, आई इंक्रीमेंट हुआ तो जो आई पहले जीरो था वो अब बेसिकली आई अब वन हो जाएगा. ये देखिए आप, आई यहाँ पर हमारे पास वन हो चुका है. अब सेम इसी तरह हम दोबारा से इनर लूप को एग्जीक्यूट करेंगे. आपको पता है जब कंट्रोल आउटर लूप की तरफ मूव कर जाता है ना, तो हमारा इनर लूप रीसेट हो जाता है. आप ये नहीं कहोगे कि जे हमारा फोर तक जा चुका था तो अब जे फोर से ही एग्जीक्यूट होगा. नो, अब ये इनर लूप रीसेट हो गया है, यानी अब दोबारा से जे को हमने जीरो से इनिशियलाइज किया और सेम हमने इसी तरह कंडीशन को चेक करते जाना. एंड यहाँ पर फाइव था, आई अब चेंज हो गया हमारे पास. आई पहले जीरो था अब वन हो गया है. इसको इवेल्युएट किया, क्या आंसर आया, जीरो लेस देन थ्री. ये थ्री आंसर आया था, कंडीशन ट्रू है. इफ कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, एरे ऑफ जीरो ग्रेटर देन एरे ऑफ वन, इज इट ट्रू. जीरो पर फोर है और वन पर वन है, फोर ग्रेटर देन वन है. अब नई एरे कंस्ट्रक्ट हो गई है यहाँ पे हमारे पास. देखें, अब यहाँ पर स्वैप हो चुके हैं फोर और वन. जहां पर फोर था वहां वन आ गया है, जहां पर वन था वहां पर फोर आ गया. ठीक है, इस तरीके से अब जे को दोबारा इंक्रीमेंट कर देंगे. जे इंक्रीमेंट हुआ, वन हो गया. अब कंडीशन चेक की, क्योंकि जब हम एन माइनस आई माइनस वन को इवेल्युएट करते हैं तो वो थ्री आता है. वन लेस देन थ्री है. इफ कंडीशन चेक करेंगे, क्या एरे ऑफ जे इंडेक्स पर जो वैल्यू प्रेजेंट है वो जे प्लस वन से ग्रेटर है. हाँ जी, ग्रेटर है, तो दोबारा स्वैप कर दें. स्वैप किया हमने तो ये जो न्यू एरे कंस्ट्रक्ट हो रही है यहाँ पर, यहाँ देखें थ्री आ गया है और यहाँ फोर आ गया है. ठीक है, अब ये कर लेने के बाद हम दोबारा से जे को इंक्रीमेंट कर देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तक जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है ना, तो जे दोबारा इंक्रीमेंट हो जाता है. अब इंक्रीमेंट हुआ, जे पहले वन पर था अब टू पर आ गया है. जे जैसे ही टू पर आया, हमने कंडीशन को दोबारा से चेक किया, इनर लूप की कंडीशन को, क्या ये सेटिस्फाई हो रही है. अगर हो रही है तो हम इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे. जे यहाँ पर क्या है हमारे पास, जे टू है, तो टू लेस देन थ्री कंडीशन इज स्टिल ट्रू. सो व्हाट वी आर गोना डू इज एरे ऑफ जे को कंपेयर करेंगे कि इज इट ग्रेटर देन एरे ऑफ जे प्लस वन और नॉट. वी आर चेकिंग द इफ कंडीशन ना. तो एरे ऑफ टू, टू इंडेक्स पे फोर प्रेजेंट है, थ्री इंडेक्स पे टू. फोर इज ग्रेटर देन टू, इट मीन्स हम इनको स्वैप करेंगे और ये अपनी प्लेस को इंटरचेंज कर लेंगे. अब फोर और टू को हमने स्वैप किया, जहां पर टू था वहां अब फोर आ चुका है, जहां पे फोर था वहां पर अब टू आ चुका है. ठीक है,
और जे साथ ही इंक्रीमेंट हो गया, जे टू पे था, अब जे थ्री पर आ चुका है। आई वन ही था तो वन ही रहेगा, क्योंकि अभी आउटर लूप पर कंट्रोल वापस नहीं गया। तो क्या हमारे पास थ्री लेस देन थ्री है? फाइव माइनस वन माइनस वन, एन है ये हमारा माइनस आई माइनस वन, इट गिव्स अस थ्री। क्या ये कंडीशन ट्रू है? नो, कंडीशन इज फॉल्स। अब आई दोबारा इंक्रीमेंट होगा क्योंकि कंट्रोल ट्रांसफर हो चुका है अब यहाँ से वापस आउटर लूप की जानेब, और आई जो है अब वो इंक्रीमेंट हो जाएगा और टू हो जाएगा। एक चीज आप लोगों ने नोट की होगी कि हर पास के कंप्लीट होने के बाद, यानी जब एक आई को इंक्रीमेंट हम कर रहे हैं ना, उस वक्त हम देखते हैं कि एक एलिमेंट जो है वो अपनी सॉर्टेड पोजीशन पर आ जाता है, यानी हर पास में एक एलिमेंट सॉर्टेड पोजीशन पर आ चुका होता है, ठीक है। इसीलिए हम एन माइनस वन कंपेरिजन करते हैं, हमें एन टाइम्स कंपेरिजन नहीं करने पड़ते। फाइव इस पास में अपनी सॉर्टेड पोजीशन पर आ चुका है, और नेक्स्ट हमने देखा कि जब सेकेंड पास कंप्लीट हुआ तो फोर अपनी सॉर्टेड पोजीशन पर आ गया है। इस पूरे एरे में जो असेंडिंग ऑर्डर कंस्ट्रक्ट हो रहा है ना, उसमें अब फोर अपनी सॉर्टेड पोजीशन पर है। अब हम चेक करते हैं हमारे पास आगे भी ऐसे ही होता है या नहीं, जो कि होना चाहिए। बबल सॉर्ट में इसी तरह होता है कि हर पास में एक एलिमेंट अपनी सॉर्टेड पोजीशन पर आ जाता है। ओके, तो अब आई हमारा इंक्रीमेंट होकर टू पर आ चुका है, जे को हम जीरो से इनिशियलाइज करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सेम उसी तरह कंडीशन अगेन एंड अगेन चेक होगी। फाइव हमारा यहाँ पर एन है और हम माइनस कर रहे हैं आई के साथ, तो आई अब टू हो चुका है और माइनस वन एज इट इज आएगा, कंडीशन में गिवन है, ठीक है। इवेल्युएट किया, टू आंसर आया, जीरो लेस देन टू है, इट इज़ करेक्ट। कंडीशन चेक करेंगे, इफ कंडीशन में क्या था कि क्या एरे ऑफ जे, जे इज जीरो, इज इट ग्रेटर देन एरे ऑफ जे प्लस वन, जे प्लस वन मीन्स वन, वन इज ग्रेटर देन थ्री, नो द कंडीशन इज फॉल्स हेयर, नथिंग विल हैपन, जे विल बी इंक्रीमेंटेड, जे गोज टू वन इंडेक्स। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से कंडीशन चेक करेंगे कि क्या जे लेस देन है एन माइनस आई माइनस वन से। अब वो एन माइनस आई माइनस वन बेसिकली क्या है, वो ये टू आता है, वन इज लेस देन टू, कंडीशन इज ट्रू। इफ कंडीशन दोबारा चेक होगी यहाँ पर कि क्या एरे ऑफ ग्रेटर देन है एरे ऑफ जे प्लस वन से, तो दोनों इंडिसेस पर कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, वन पर थ्री और टू पर टू, थ्री इज ग्रेटर देन टू, कंडीशन इज ट्रू, देन वी आर गोइंग टू स्वैप देम। आफ्टर स्वैपिंग वी कैन सी दैट जहां पर थ्री था वहां टू आ चुका है, और जहां पर टू था वहां पर थ्री आ चुका है, और जे इंक्रीमेंट हो गया, जे भी टू इंडेक्स पर आ गया, ठीक है। अब जे टू हो गया है, हमने देखा था कि टू यहाँ पर जे था, और हम एन माइनस आई माइनस वन चेक कर रहे थे, वो क्या था, फाइव माइनस टू माइनस वन, तो हमारे पास यहाँ क्या आंसर आ गया था, हमारे पास टू आंसर आ गया था। तो सिंपली हमने देखा कि हमारे पास यहाँ कंडीशन फॉल्स हो गई, तो दोबारा कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं आए, बल्कि ये हुआ कि हमारा जो फॉर लूप है, इनर फॉर लूप, वो ब्रेक कर गया और हमारा कंट्रोल आउटर फॉर लूप पर मूव कर गया, और आई हमारा दोबारा से इंक्रीमेंट हो जाएगा। आई हमारा इंक्रीमेंट होकर थ्री हो चुका है क्योंकि हमारा कंट्रोल जो है वो आउटर फॉर लूप की तरफ आ गया था। अब हम देख चुके हैं ऑलरेडी सॉर्टेड पोजीशन में, हमें कंपेरिजन की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने जो कंडीशन दी है कि आई लेस देन एन माइनस वन, यानी कि जब तक ये फोर नहीं होता, फोर से लेस देन है, तब तक ये एग्जीक्यूट होता जाएगा। तो आई हमारा भी थ्री है, थ्री इज लेस देन फोर, तो उसे यहाँ कोई भी कंडीशनल प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी, तो वो एग्जीक्यूट लाजमी होगा, ऑल दो ये सॉर्टेड पोजिशन में आ चुका है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जे को दोबारा जीरो से इनिशियलाइज किया, अब एन माइनस आई माइनस वन, एन इज फाइव आई इज थ्री एज इट इज, वी गेट वन, जीरो इज लेस देन वन, एरे ऑफ जे यहाँ पर क्या है, एरे ऑफ जीरो दैट इज वन एलिमेंट, एंड एरे ऑफ जे प्लस वन इज वन, जिस पर क्या एलिमेंट है टू, इज वन ग्रेटर देन टू, द कंडीशन इज फॉल्स बिकॉज वन इज नॉट ग्रेटर देन टू, नथिंग विल हैपन एंड जे विल बी सिंपली इंक्रीमेंटेड। हम जे को इंक्रीमेंट करेंगे, जे इंक्रीमेंट होकर वन पर आ जाएगा, आई थ्री है, इज वन लेस देन वन, ये हमने ये वाली कंडीशन इन अ लूप की चेक की है, तो वन लेस देन वन नहीं होता, वन इज इक्वल टू वन, तो अब ये क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप ब्रेक कर गया और कंट्रोल मूव कर गया आउटर फॉर लूप पर। अब हम आउटर फॉर लूप की कंडीशन चेक करने से पहले आई को इंक्रीमेंट करते हैं, आई फोर हो गया, पहले थ्री था, आई के फोर होने के बाद हम चेक करेंगे कंडीशन को। कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि क्या फोर लेस देन फोर है। अब इशू यहाँ पे हमारे पास ये है कि फोर इज नॉट लेस देन फोर, इट इज इक्वल टू फोर, तो आउटर लूप विल नॉट रन नाउ फॉर आई इज इक्वल टू फोर,
और हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारी पूरी एरे सॉर्ट हो चुकी है एंड द एल्गोरिदम इज कम्प्लीटली एग्जीक्यूटेड एंड वी हैव गॉट एन एरे इन असेंडिंग सॉर्टेड ऑर्डर. सो होपफुली आपको ये एल्गोरिदम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. और कोई भी आपको सजेशन देना हो, फीडबैक देना हो या क्यूरी डिस्कस करनी हो, देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बिलो. डू लाइक आवर वीडियोज, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. Till then, Allah Hafiz.